Hi guys, do subscribe to my channel and hit that notification button ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की खबर मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेंशियस बाय सारा। सो आप लोग देख रहे होंगे कि आज की वीडियो अगेन मेकअप ट्यूटोरियल है। जी नहीं, ये बिल्कुल मेकअप ट्यूटोरियल नहीं है। ये जो है ये दराज ब्यूटी हॉल है, जो मैंने दराज की 12-12 जो सेल आई थी वहाँ से ऑर्डर किए थे। मैंने कुछ होम डेकोर की चीज़ें ली थी, कुछ ऑब्वियसली जो ज़रूरत होती है उन चीज़ों की जो घरेलू रोज़मर्रा में यूज़ होती हैं वो ली थी, और फिर मैंने कुछ ब्यूटी चीज़ें ली थी। तो मैंने अराउंड 5000 की तकरीबन शॉपिंग की थी। सो आई वांटेड टू शेयर माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद यू गाइस, बिकॉज़ यू गाइज़ आर फैमिली। आप लोग मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पूछते हैं, मेरी चीज़ों को लाइक करते हैं, मेरी रिकमेंडेशन पर चीज़ें लेते हैं। इट फेल्ट ह्यूज, लाइक मैं बता नहीं सकती, आई एम स्पीचलेस। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। डू सपोर्ट मी एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और आपको तो पता है सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन पे हिट करना है। सो विदाउट एनी फर्दर डिस्ट्रैक्शन लेट्स गेट जंप इन टू द वीडियो। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने दराज से क्या क्या ऑर्डर किया था, और काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं, तो हम लोग ओपनिंग के साथ साथ ही आपको बताते हैं। सो लेट्स जंप इन टू द वीडियो। ओके तारा, लेट्स एन्जॉय माई कप ऑफ टी, फाइनली विंटर्स आर हियर। ओके तो मैं आपको जल्दी जल्दी चीज़ें दिखा देती हूँ क्या क्या आया है। ये एक मेरे पास पैकेजिंग आई है, सब चीज़ें काफ़ी जल्दी आ गई थी, और तकरीबन दो दफ़ा में साथ ही आ गई थी लकीली। ओके देन उसके बाद जो है ये पार्सल्स हैं, इन पार्सल्स को मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ था। ये एक एनवलप टाइप का है, ये एक एनवलप टाइप का है, देन अगेन ये भी एक छोटू सा एनवलप है। अब की दफ़ा इन्होंने थोड़ी अपनी पैकेजिंग चेंज की है, थोड़ा सा जो पहले उनके ऊपर का अलग सा डिफरेंट चीज़ें बनी होती है, मैंने ऑरेंज कलर कर लिया है, ये एक अलग चीज़ है। और उसके बाद ये भी एक चीज़, आप सोचोगे इसने कितनी चीज़ें ऑर्डर करनी है, और ये भी है। हाँ पहले इनका ये वाला आता था। सो आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें हैं। ओके गाइस, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं माशाल्लाह। सो लेट्स ओपन इट टुगेदर। सबसे पहले मैं चाह रही हूँ मेरी एनवलप्स को कर लूँ, देन मैं आखिर में आऊँ। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स ओपन इट टुगेदर। सो पैकेजिंग मुझे इनकी हमेशा से बहुत ही पसंद है, बहुत अच्छी पैकेजिंग है इनकी, और लेट्स सी इस दफ़ा क्या रहता है। ओके गाइस, तो कुछ घर का सामान होता है जो हाउस होल्ड चोर्स होते हैं हमारे पास, रोज़मर्रा की चीज़ें, उसमें डेकोरेशन का भी सामान आता है, और कुछ आपको चीज़ें मैनेज करके रखना होता है। तो ये मेरे पास एक था, ये अराउंड 80, इसमें आप देख सकते हैं छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, इसमें आप अपनी कोई भी चीज़ें रख सकते हैं। मैं दिखा नहीं सकती कितना बड़ा है, इसकी एक्चुअली पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, और मैं आपको साथ साथ इसकी प्राइस भी बता दूं, ये 314 रुपए का था। लेट मी शो यू अंदर भी मैं इसकी प्राइस है, इसकी प्राइस जी 314 रुपए है। और ये जो है ये कंपार्टमेंट ऑर्गेनाइज़र है, सो मुझे ये बहुत पहली नज़र में मुझे बहुत पसंद आ गया था कंपार्टमेंट ऑर्गेनाइज़र, तो आप भी ले सकते हैं। आप इसमें अपनी ज्वेलरी रख सकते हैं, अपनी कोई भी स्टफ़ रख सकते हैं, छोटे बच्चों के सॉक्स रख सकते हैं, दोज़ हु आर मॉमीज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, सो आई रियली लाइक इट। 314 रुपए में वर्थ हैविंग इट जी। तो पहली प्रोडक्ट मुझे माशाल्लाह से पसंद आ चुकी है, सो चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, और इसको भी खोल के देखते हैं के व्हाट्स इनसाइड इट। ओके सो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये जो है ये मेकअप का सामान है, एक्चुअली आई एम अ बिग मेकअप जंकी, तो ये मैं इसकी भी आपको प्राइस बता देती हूँ क्या क्या है। इसमें क्विक ड्राई मैट वाटरप्रूफ आईलाइनर है जो 186 का है, सनब्लॉक है जो 210 का है, और चारकोल पील ऑफ मास्क है जो 245 का है। इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो, जो सबकी कैलकुलेटेड प्राइस है वो बनती है 740 रुपीज़। तो ये रिवाज का हॉल हो गया पूरा, ये रिवाज का हॉल हो गया मेरा 740 रुपीज़ का, विच इज़ गुड। तो अब मैं इसमें काफ़ी देखें आप, अच्छी पैकेजिंग हुई हुई है इसकी, और
और बहुत डिलीवरी जल्दी हुई है। मतलब जो उनकी 11-11 सेल थी वो मुझे कुछ ख़ास नहीं लगी थी। मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के लिए 11-11 सेल में से कुछ ले सकूं, लेकिन मुझे इतनी ख़ास सेल इनकी 11-11 वाली पसंद नहीं आई। तो ये देखते हैं क्या है, कैसा है। एक्चुअली मैं इन सब का आपको रिव्यू दूंगी, ये तो फर्स्ट टाइम है कि क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि कैसी चीज़ें क्या यूज़ करने के लगी। एक्चुअली इनको खोलना बहुत ज़्यादा होता है। ओके, फाइनली मैंने इसमें निकाल लिया। मैंने इनका ये जो पिंकिश वाइट इनका पील ऑफ मास्क है इसके बारे में बहुत सुना था, तो मैंने डेफिनेटली इसको ट्राई करना है कि कैसा है, देन मैं आपको बताऊंगी। मैं चारकोल मास्क की पर्सनली बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका एप्लीकेटर भी है। आई एम जस्ट लविंग इट डेफिनेटली। कि काफ़ी कम लोग, मैंने काफ़ी चारकोल मास्क यूज़ किए, किसी का एप्लीकेटर नहीं होता, लेकिन इसका एप्लीकेटर है, विच इज़ अ गुड साइन। और उसके बाद मैंने इनका ये न्यू सन प्रोटेक्टिंग सीरम, सॉरी सन प्रोटेक्टिंग सनस्क्रीन था, सन ब्लॉक होता है, और ये जो सन ब्लॉक है ये फॉर एंटी सीबम है, ऑयली पर्सन्स के लिए। तो आई हैव सुपर ऑयली स्किन, तो इसलिए मैंने ये वाला सन ब्लॉक ऑर्डर किया था। प्राइस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ इन सब की। और ये इनका आईलाइनर है, आईलाइनर बहुत प्यारा लग रहा है मुझे इनका, और इस पर इसकी एक्सपायरी भी दी हुई है। तो आईलाइनर खोल के देखते हैं। ओह, इट्स लुक गुड। आईलाइनर भी सील है, विच इज़ अ गुड थिंग। सो या, सो ये मेरा रिवाज का हॉल हो गया। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट पे, जो एक और छोटू सा पार्सल है, इसको भी हम ओपन करते हैं और देखते हैं। मैं अपनी चाय जो है वो ठंडी कर चुकी हूँ। ओके, तो ये जो है 1531 की ये फाउंडेशन है, ये DMGM की फाउंडेशन है। मुझे DMGM पर्सनली ब्रांड बहुत पसंद है, आपको किसी भी, आप सुपरमार्केट पे जाएंगे आपको मिल जाएगा। तो ये फाउंडेशन है, ये इटली की बनी हुई है, और इसका स्टार्ट देखते हैं कैसी है ये। यू कैन सी दिस फाउंडेशन, और इसको भी मैं निकाल के देखती हूँ। आई होप ये मैंने, क्योंकि फाउंडेशन का यही मसला होता है शेड का। यस, ओके, ये मेरा ही शेड है, आई लाइक इट। तो ये वाली फाउंडेशन थी, ये मैं ट्राई करना चाह रही थी, लेकिन मुझे इस फाउंडेशन के बारे में आपको अपने वर्डिक्ट देने हैं फाइनल, वो मैं जल्द दूंगी आपको। प्राइस मैं अगेन बता चुकी हूँ, काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते रहते थे प्राइस बताइए प्राइस बताइए। सो अगेन चलते हैं जल्दी जल्दी। ये एक और पार्सल है, इसको भी खोल के देखते हैं क्या है। ओके, ये मैं इसकी काफ़ी टाइम से देखी थी। दोज हुआ हिजाबी, दे डू नो द स्ट्रगल ऑफ हैंगिंग देयर स्कार्फ्स यू नो इन अ शेल्फ, बिकॉज प्रीटी मच डिफिकल्ट टू हैंग योर स्कार्फ, बिकॉज वंस यू नो हैविंग स्टार्ट ऑफ योर हैंग योर स्कार्फ्स ऑन अ सिंपल लाइक हैंगर, देन यू एंड अप हैविंग ऑल फॉल डाउन एट वंस। तो ये रहा, ये मैं काफ़ी दिनों से इसकी ख्वाहिश में थी, एंड फाइनली आई गॉट इट। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये कैसा रहा। बहुत अच्छी तरीके से ये फोल्ड है, और 28 होल्स का है ये, और सबसे अच्छी बात इसे आप इसे फोल्ड भी कर सकते हैं, और इस तरीके से ये है, और आप इसे लगा सकते हैं लाइक दिस। अच्छा जी, मैं यहाँ पे खेलने लग गई हूँ, आप कहेंगे ये स्टार्ट हो गई है खेलना यहाँ पे। इंसान को अपने अंदर का बच्चा नहीं मारना चाहिए। ओके, तो फिर अगर हम आ जाते हैं, अच्छा इसकी मैंने आपको प्राइस नहीं बताई, आई एम सो सॉरी, आई जस्ट थ्रू इट अवे। इसकी प्राइस है, इसकी प्राइस इन्होंने नहीं लिखी है, लेकिन अराउंड ये 310 समथिंग का था, लेट मी अगेन चेक इट आउट। ये 310 कुछ रुपए का था, फिर भी मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी। देन अगेन ये एक और पार्सल है,
ये 280 रुपीस का है, ये हिमानी का टी ट्री ऑयल है। मैंने सोचा था आप लोगों से मैं इसका रिव्यू करूं, तो डेफ़िनेटली मैं इसका रिव्यू करूंगी। अभी मैं जल्दी से आपको बता देती हूं कि ये टी ट्री ऑयल क्योंकि ग्लास बॉटल्स में होता है, आप देख सकते हैं DMGM फाउंडेशन की बॉटल बिल्कुल सलामत आई है, बहुत अच्छी पैकेजिंग में आई है। अब ये भी देखते हैं कि इसकी पैकेजिंग कैसी है। ओके सो ये जो थोड़ी बॉटल है इसकी एक्सपायरी 2022 है बॉटल, थोड़ी सी ये इसका पैकेजिंग देख रहे हैं आप, या तो ये कुचुड़ मुचुड़ हो गई है रखे रखे या क्या हुआ है, बट अंदर से हम देखते हैं, अंदर से सलामत आई है। सो ये इतना तो होता है कि कभी आपका जो इस तरीके से आप ये बबल रैप करते हैं तो आपका थोड़ा सा ये देख रहे हैं आप टियर हुआ हुआ है, बट फाइन अंदर से बॉटल सील है। सील देख लिया करें कि ये बॉटल सील है, तो इट मीन्स कि ये यूज़ नहीं है और ये बिल्कुल फ्रेश पीस है। ओके सो व्हाट एल्स इज लेफ्ट, अभी जो है वो ये एक चीज़ रहती है जिसको भी हम स्टार्ट देखेंगे क्या है ये। और जी तो ये है हमारे पास ₹585 की हैं ये मैंने मंगवाए थे, ये भी मेरा मेकअप हॉल है, तो ये देखते हैं ये मेकअप कैसे आए हैं। ओके सो ये लैक्मी का कॉम्पैक्ट पाउडर है विच इज़ इन द शेड मार्बल, तो ये आप देखते हैं कि ये सलामत आया है या नहीं आया। काफ़ी डस्टी हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई ये क्यों इतना डस्टी हो रहा है, वैसे तो ये साफ सुथरा, या तो ये इंडिया से ये जब लाते हैं तो मे बी इस वजह से डस्टी हो जाता है। ये रेडियंस कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये भी मैं आपको उसका रिव्यू करूँगी। और ये इनकी फाउंडेशन है विच इज़ ऑल्सो इन द शेड मार्बल, या ये अच्छी इसकी पैकेजिंग हुई है, मैं जल्दी से खोल के आपको दिखाती हूँ। ओके गाइज तो ये अच्छी तरीके से पैक थी इसमें, और ये परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन है, इसमें मेरा शेड था पर्ल, और इसमें इसकी एक्सपायरी भी मेंशन है। लैक्मी की है तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई की जाए, और ये भी बिल्कुल फ्रेश पीस है, और ये फाउंडेशन भी। इसकी कवरेज थोड़ी सी थिक है, मैं आपको दिखाऊं, रनी है लेकिन इट्स बिल्डेबल, मैंने काफ़ी यूट्यूबर से इसके अच्छे सुने हुए थे, एज यू कैन सी अच्छा इसका एक इफ़ेक्ट है, काफ़ी शीर और डुई इफ़ेक्ट की है, और इसकी स्मेल भी थोड़ी सी फ्रेगनेंस है इसमें। सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। ओके जी अब क्या रह गया है, इट्स अ ह्यूज हॉल, लाइक अब मुझे जितनी एक्साइटमेंट हो रही है आई एम श्योर आप लोगों को भी हो रही होगी, क्योंकि मैंने सोचा कि फर्स्ट एक्सपीरियंस इज ऑलवेज गोना बी विथ माई सब्सक्राइबर्स, बिकॉज आप लोग ही हैं जो इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, सो डेफिनेटली फॉर यू गाइज, तो इसलिए मैं ओके ओके वॉट इज दिस इनसाइड। यार पैकेजिंग इनकी 10/10 है, बहुत अच्छी पैकेजिंग है, मतलब हालांकि मैं आपको एक बात बता दूँ, ये सब कराची से ही आया है मोस्टली, लाइक 90% जो जितनी भी चीज़ें हैं वो उनके सेलर्स कराची में है, तो इन्होंने कराची की इतनी अच्छी पैकेजिंग भेजी है, तो आप सोच सकते हैं कि बाकी उनकी कितनी अच्छी जो भी बाकी मुल्कों की है। ओके सो या दिस इज़ माय DIY बोल, ये मेरा DIY बोल था जिसमें मैं DIY जब भी अपना करा करूँगी तो उसके लिए मैंने एक बोल मंगवाया था, तो ये वही लग रहा है। आप इसकी पैकेजिंग देखें, मतलब ये प्लास्टिक का है और उस पर इन्होंने इतनी अच्छी बबल रैपिंग की है, दिस इज अमेजिंग, ठीक है, इट्स टू स्मॉल, ओह माय गॉड गाइस बिलीव मी, अगर मैं आपको अभी भी इसकी पिक्चर दिखाऊं दिस इज़ नॉट गुड, दराज वालों ये तो धोखा हुआ है मेरे साथ। अच्छा पैकेजिंग इतनी अच्छी कर दी, इतने बड़े से इस वाले कार्टन में इन्होंने दिया है, और अंदर से क्या निकला है लेट मी शो यू, क्योंकि बहुत छोटा सा है ये, बहुत छोटू सा ये, तो मुझे लग रहा है कि बार्बी डॉल्स का होता है DIY मास्क, उसमें जो इनकी थी पिक्चर उसमें तो काफ़ी अच्छा खासा जैसे हमारे घर के बोल्स होते हैं वैसे लग रहा था,
लेकिन इट्स टू टीनी टाइनी. और कलर क्या आप इस कलर को देख सकते हैं, कलर बहुत मतलब गॉजी कलर है, बहुत शीर है, बहुत रेडियंट है. खैर, और ये मास्क अप्लाई करने का है ये है, तो या चले इतना तो चलता है, व्हाट कैन आई से. लेकिन या ये काफ़ी बड़ा दिखाया गया था और ये आया इतना छोटू सा है. सो आई होप कि सब चीज़ें हो गई हैं. दिस इज़ लेट. अच्छा, जब मैं कर रही थी, ऑर्डर दे रही थी, तो उस वक्त इतना पता नहीं चलता है, लेकिन ये भी लेफ्ट है तो इसको भी देख लेते हैं जल्दी से कि ये क्या है. ओके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तमाम की प्राइस देती जाऊंगी, सो डो नॉट वरी. मैग्नेटिक लैशेस, ये मैग्नेटिक लैशेस मैं अभी आपको बता देती हूँ कितने की हैं. 382 रुपीज़ की मैग्नेटिक लैशेस हैं, और ये मैग्नेटिक लैशेस भी बहुत अच्छी तरीके से आई हैं. लेट्स ओपन इट टुगेदर. ओके, मुझे मैग्नेटिक लैशेस पे मैं आपको पूरी वीडियो बना चुकी हूँ. जो लोग मुझसे पूछे थे कि मैग्नेटिक लैशेस आप हमें बताइए, तो गाइज़ वो वाला पेज जो है इंस्टाग्राम से आउट हो गया है, तो वो मैग्नेटिक लैशेस तो मैं काफ़ी दिनों से सर्च में थी, तो ये मैग्नेटिक लैशेस हैं. मैं इसको ट्राई करूँगी, डेफिनेटली अच्छी पैकेजिंग है इसकी, आपको बताऊँगी कि इफ़ यू शुड बाय दिस और नॉट. इसमें इसका तरीका भी लिखा हुआ है, तरीका तो वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था. और लेट्स ओपन इट. ओके, अच्छा, इनकी अच्छी बात यह है कि इसके दोनों तरफ मैग्नेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके दोनों तरफ मैग्नेट है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है. सो या दिस इज़ ऑल, इट्स अ ह्यूज हॉल. अराउंड 5000 तकरीबन का मैंने ये सामान परचेज किया था, जिसमें से कुछ होम मैनेजमेंट की चीज़ें थी, जैसे स्कार्फ हो गया, आपका डेकोरेटिव कंपार्टमेंट्स हो गए, उसके बाद मेरा ऑब्वियसली आई एम अ ब्यूटी ब्लॉगर और मेकअप जानकी हूँ, तो मोस्टली मेकअप का भी सामान था, DIYs का भी सामान था. मुझे काफ़ी सारी चीज़ों से मोस्टली 95% चीज़ें मेरे पास बिल्कुल सही शामिल हुई हैं. चाय भी मेरी ऑलमोस्ट ठंडी हो गई है. 95% चीज़ें मेरे पास बिल्कुल सही आई हैं, एक्सेप्ट ये बोल के ये मेरे साथ धोखा हुआ है, क्योंकि ये इतना छोटू सा है कि मुझे बारबी सेट का लग रहा है, जो छोटे बच्चों का होता है ना, क्योंकि ये तो मैं इसमें क्या बना पाऊँगी, इसमें तो मतलब हेयर वॉट्स से बस ये इतने बड़े बॉक्स में आया है. और इसके बाद हिमानी का जो टी ट्री ऑयल था जो मैंने आप लोगों को करना था, उसकी थोड़ी सी पैकेजिंग ऊपर से या तो, लेकिन फिर खैर अगेन मैंने इसका देखा एक्सपायरी सही है, थोड़ी सी पैकेजिंग बेचारे की डिस्टर्ब हो गई है, लेकिन ऑल दो बॉटल सील्ड है, बिल्कुल सही है, कोई बॉटल पे कोई निशान वगैरह कुछ भी नहीं है. इस पर भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी टी ट्री ऑयल के फ़वाद, के टी ट्री ऑयल आप किस तरीके से ब्यूटिफिकेशन में अपनी यूज़ कर सकते हैं. सो या गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट माई ह्यूज हॉल ऑन दराज. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ गिव इट्स अ थम्स अप गाइज, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैं अपने एनालिटिक्स में देखती हूँ कि काफ़ी सारे लोगों ने मेरी वीडियोज़ देखी होती है, लेकिन 8% लोगों ने उसे सब्सक्राइब किया होता है, तो ऐसा क्यों है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है. प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी, डू लेट मी ग्रो हेयर. अगर आपकी कोई भी सजेशन है डू लेट मी नो, और इंशाल्लाह ताला आई विल बी मेकिंग वीडियोस जल्दी जल्दी इंशाल्लाह ताला. सो आई विल बी बैक विद सम अनदर एक्साइटिंग वीडियो अगेन. टिल देन दुआओं में याद रखिएगा, एंड डू चेक आउट माई दिस लुक विच इज़ अ वेडिंग लुक. इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, और आप ट्राई करके मुझे इंस्टाग्राम पर पिक्चर्स भी भेज सकते हैं. डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विच इज़ एक्सक्यूज इट. सारा ब्लॉग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम चीज़ों के प्राइस भी दे दूंगी, ताकि आपको परेशानी ना हो. सो या गाइज, लव यू ऑल. टिल देन इंशाल्लाह मिलते हैं विद अगेन अनदर एक्साइटिंग वीडियो. टिल देन अल्लाह हाफिज़. सब्सक्राइब टू माई चैनल.